बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिंथेसिस ऑफ निकोटीन, कि हम निकोटीन अल्कलाइड की सिंथेसिस किस तरह कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड बाय विच निकोटीन अल्कलाइड कैन बी सिंथेसाइज। द फर्स्ट वन इज स्पॉट एंड ब्रेट स्नाइडर सिंथेसिस एंड द सेकंड वन इज क्रेग सिंथेसिस। तो इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉट एंड ब्रेट स्नाइडर सिंथेसिस क्या होता है और क्रेग सिंथेसिस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट स्पॉट एंड ब्रेट स्नाइडर सिंथेसिस, कि इसमें क्या होता है। सो देयर आर टू स्टेप बाई विच स्पॉट एंड ब्रेट स्नाइडर सिंथेसिस कैन बी परफॉर्म। सो इन द फर्स्ट स्टेप सेक्सिनामाइड, हम यहाँ पर स्टार्टिंग मटीरियल सेक्सिनामाइड को लेते हैं। ये सेक्सिनामाइड है और दूसरा होता है सेक्सिनामाइड, या आई की जगह यहाँ पर ए होता है। तो यहाँ पर हम सेक्सिनामाइड को ड्रा करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सेक्सिनामाइड है और ये सेक्सिनामाइड है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है। ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लेते हैं तो ये हमें पाइरोलिडीन टू ऑन देता है, या इसको हम टू पाइरोलिडोन भी कहते हैं। अब ये किस तरह हमें अपटेन हो जाता है, यहाँ से एक कीटोनिक ग्रुप की रिडक्शन हो जाती है। तो ये यहाँ से चला जाता है ये कीटोनिक ग्रुप, और दूसरा कीटोनिक ग्रुप एज इट इज यहाँ पर रह जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम स्ट्रांग बेस को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फेट को लेते हैं। यहाँ पर जब हम बेस को लेते हैं तो बेस क्या करता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन। तो यहाँ पर मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोटॉन मोर एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से ये प्रोटॉन चला जाएगा, हमें इसकी मिथाइलेशन करनी है। तो ये जो डाइमिथाइल सल्फेट है ये CH3 ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ये बांड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो CH3 ग्रुप यहाँ से प्रोड्यूस हो चुका है, डाइमिथाइल सल्फेट ने प्रोड्यूस किया था, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये इस नाइट्रोजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमें N-methyl pyrrolidine 2 ऑन देगा। This is the final compound for step 1. अब step 2 में क्या होता है, next step में हम ये वाला compound लेंगे, N-methyl pyrrolidine 2 on, इसको हम लेंगे और इसकी reaction हम ethyl nicotinate से करा देंगे। अब इथाइल निकोटिनेट क्या होता है, जब हम पाइरिडीन रिंग के साथ एसीटेट ग्रुप को लगाते हैं तो ये इसको हम इथाइल निकोटिनेट कहते हैं। जब हम इथाइल निकोटिनेट की रिएक्शन एन मिथाइल पाइरिडीन 2 ऑन के साथ कराते हैं इन बेसिक कंडीशन, यहाँ पर हम स्ट्रांग बेस लेंगे, और ये क्या है, ये सोडियम एथोक्साइड है। तो सोडियम एथोक्साइड क्या करेगा, बेस क्या करेगा, वो मोर एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जो प्रोटॉन होगा वो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो यहाँ से ये बेस मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस रिएक्शन को हम क्लाजियन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर एस्टर ग्रुप अटैच है। तो जब ये यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक कर लेता है, तो ये वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाता है एक बार के लिए, और फिर अगेन ये बांड इस पोजिशन पर शिफ्ट होकर यहाँ से OC2H5 को निकाल लेता है। तो यहाँ से H+ निकल गया और यहाँ से OC2H5
तो ओरल अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस सी टू एच फाइव यहाँ से हो गया है, यहाँ से क्या निकल गया माइनस सी टू एच फाइव ओ एच। तो अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम देखें तो हमारे साथ प्रोडक्ट ये मिलेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर ये बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो गया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल गया वो ये वाला है। अब मजीद हमें क्या करना है, हमें इसकी रिएक्शन HCl के साथ एट 130 डिग्री सी कराना है और साथ साथ में हमें हाइड्रोलिसिस भी कराना है। तो ये बॉन्ड कहाँ से, जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ये एमाइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एमाइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, सो नाइट्रोजन एटम बेयर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम विल बेयर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो एच प्लस है और ओ एच माइनस प्रोड्यूस हो चुका है, तो ओ एच माइनस इस कार्बन एटम के साथ जाएगा प्लस वाले के साथ, और एच प्लस इस नाइट्रोजन एटम के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग देख ले कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ ओ एच, ओ एच ये वाला ओ एच इस पोजीशन पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हो चुका है। अब मजीद हमें क्या करना है, इसकी हमें यहाँ से CO2 की एलिमिनेशन करनी है, यहाँ से हम CO2 की एलिमिनेशन करेंगे। तो जब यहाँ से CO2 एलिमिनेट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। तो जब यहाँ से CO2 एलिमिनेट हो जाता है तो ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन नंबर 1 पर चला जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखें तो हमारे साथ ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है। आगे हमें क्या करना है, यहाँ से रिंग की फॉर्मेशन करनी है, यहाँ से हमें 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करनी है। तो इसको हम ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं, ये पाइरिडीन वाला रिंग तो वैसा के वैसा यहाँ पर आ जाएगा, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लिखते हैं और NH कार्बन नंबर 3 पर, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 पर NH अटैच है और साथ में CH3 अटैच है। अब हम मजीद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी रिडक्शन करनी है, इसकी हमें रिडक्शन करनी है। तो यहाँ से हमें इसकी रिडक्शन करनी है, तो जब हम इस कीटोन की हमें रिडक्शन करनी है, यहाँ पर हम जिंक 10 को लेंगे और C2H5 को एज अ प्रोटॉन सोर्स यहाँ पर लेंगे। तो जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं इस कीटोनिक ग्रुप की, तो ये कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम इसकी रिडक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर H आ जाता है और यहाँ से O, यहाँ पर O आ जाता है। तो हमारे साथ सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ से हम हाइड्रोक्सल ग्रुप की, यहाँ से हमें हाइड्रोक्सल ग्रुप की सब्सटीट्यूशन करनी है, और किसके साथ सब्सटीट्यूशन करनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड मीन आयोडाइड के साथ यहाँ पर हमें इसकी सब्सटीट्यूशन करनी है। तो जब हम इसकी सब्सटीट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सी देंगे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस होगा और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड की मींस आयोडाइड की यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस हाइड्रोजन के हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो H के ऊपर ये प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आयोडाइड क्या करेगा, ये इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है और इस हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो ये एच, ये एच और ये ओ एच, एच प्लस, एच प्लस ओ एच, ये वाटर मॉलिक्यूल को बना देगा और यह हाइड्राइड इस कार्बन एटम के ऊपर जुड़ जाएगा। अब जब ये वाला कंपाउंड हमारे साथ
ऑब्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन कराना है। तो यहाँ से माइनस हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ से चला जाएगा और बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या है कि वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ से H यहाँ से चला जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर लेता है तो ये आयोडीन यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर एक रिंग क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ रिंग बन जाती है, 5 मेंबर रिंग बन जाती है और इसको हम प्लस माइनस निकोटीन कहते हैं। ये हमारे साथ एक मिक्सचर है जिसको हम एसीमिक मिक्सचर कहते हैं। अब हमारे साथ ये जो कंपाउंड ऑब्टेन हो गया है ये प्योर निकोटीन नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी रिजोल्यूशन करनी है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे साथ दो कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है तो हमें वो कंपाउंड चाहिए जो प्योर हो, जो प्योर हो, तो इसकी हमें रिजोल्यूशन करनी है और रिजोल्यूशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस टार्टारिक एसिड। जब हम इसकी रिजोल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे साथ माइनस निकोटीन हमारे साथ ऑब्टेन हो जाता है और माइनस निकोटीन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नेचुरली अकरिंग निकोटीन की बिल्कुल सेम होती है, तो इसी वजह से हमारे साथ ये माइनस निकोटीन ऑब्टेन हो जाता है और इसी तरह हम निकोटीन अल्कलाइड की सिंथेसिस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्पेट एंड ब्रेड्स नाइट्रो सिंथेसिस।